ESL की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए MTD न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। लोकतंत्र में समस्याओं के समाधान के अपने एक तरीके हैं और उन तरीकों में आज मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक आदेश निकाला है और उस आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो सेबी ने पोर्टल जारी किया है उस पे कस्टमर्स का जो निवेशकों की जो अपलोड करने की प्रक्रिया होगी वो सरकार करवाएगी। सरकार ने ग्राम स्तर से लेकर के जिला स्तर तक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले अधिकारियों के लिए चलाया है और अगर किसी भी निवेशक का अपलोड नहीं होगा कोई डॉक्यूमेंट्स तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस फैसले के इस आदेश के बहुत बड़े मायने हैं। मायने ये है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, किसी व्यक्ति की कोई पोर्टल में अपलोड नहीं होता है तो ये सारी जिम्मेदारी अब व्यक्ति की ना होकर के सरकार की होगी और सरकार से भी इसे जवाब तलब करेगी। इसी तरह से एक चीज और भी इसमें समाहित है कि कल को सेबी निवेशकों का पैसा नहीं लौटाती है तो अब सरकार सीधी सेबी से बात कर सकती है। और दोस्तों ये काम ऐसे ही नहीं हुआ, सरकार ने आदेश ऐसे ही नहीं निकाला। सेबी के हमारे ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो साथी है उन्होंने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, उन्होंने वहां आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों लोकतंत्र में जो समस्या का समाधान है वो जन आंदोलनों से निकलता है और उस समय तो ये बिल्कुल फिर वही तरीका रह जाता है जब सरकारें निरंकुश हो, प्रशासन आपकी सुनता नहीं हो, तब तो फिर हमारे पास रास्ता एक आंदोलन का रहता ही है, न्यायपालिका का भी एक रास्ता है। अब दोस्तों एक बात बताइए, कुछ लोग अपने को आपस में लड़ा रहे हैं और वो अपने साथ ही लोग हैं। आप एक चीज को ध्यान रखिए, समस्या का समाधान एकजुटता से है। हम एक दूसरे को ठोक रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। इस सरकारों से लड़ना आसान थोड़ी होता और सरकार यही करती है, वो जब भी कोई ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मूवमेंट उसके खिलाफ खड़ा होता है तो उसको तोड़ने के अलग अलग तरीके निकालती है। वो अपने में से कुछ लोगों के माध्यम से इस तरीके के तरीकों को इस्तेमाल करती है और ऐसा हम देख भी रहे हैं कि कुछ लोग जैसे उसकी लड़ाई सरकार से नहीं हो, जैसे ये लड़ाई आपस में ही एक दूसरे से लड़ मिल पड़े और एक दूसरे से ये एनर्जी खत्म हो जाए। इसलिए साथियों किसी भी समस्या का समाधान हमारी जो PSEL जो पीड़ित साथियों की समस्या का समाधान है उसके तरीके भी लोकतांत्रिक ही होंगे, उसके रास्ते भी कानून के द्वारा ही निकलेंगे और किसी भी आंदोलन की सफलता उसके शांतिपूर्वक और एकजुटता में निहित है। गांधी ऐसे ही सफल नहीं हुआ, गांधी में बहुत बड़ा नैतिक बल था और वो नैतिक बल और धैर्य ही किसी आंदोलन को सफल बनाता है और आज तो प्रत्यक्ष उदाहरण है छत्तीसगढ़ वालों का कि उन्होंने सरकार से वो काम करवा लिया। ये उदाहरण आप सबका है कि 2 फरवरी को जो बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ उसके फलस्वरूप सेबी को पोर्टल जारी करना पड़ा और अब हम जो सेबी ने जो पोर्टल जारी किया और उसके माध्यम से जो एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की उसके विरुद्ध 25 फरवरी को सभी राजधानी मुख्यालयों में जितने भी राज्य हैं उनमें जो सेबी मुख्यालय है उन पे सभी साथी लोग आप बड़ा प्रदर्शन करोगे और मुझे विश्वास है कि ये प्रदर्शन ऐतिहासिक और निर्णायक होना चाहिए। अब कुछ लोग इस तरह से सोचे कि परिणाम कितना होगा, तो साथियों परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आपके प्रदर्शन का रूप क्या है। अगर केवल पीड़ित लोग हम हो रहे हैं तो ये एक आंशिक रूप, ये जन आंदोलन बनना चाहिए और छत्तीसगढ़ के साथियों से प्रेरणा लेते हुए अन्य राज्यों के जितने भी साथी हैं, जितने भी पीड़ित हैं, वो शायद अब इसे एक जन आंदोलन का रूप देंगे। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर ये PSEL पीड़ितों का आंदोलन पूरे देश में अगर जन आंदोलन बन जाए तो समस्या का निपटारा होने में 15 दिन भी नहीं लगता है।
सरकारों को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए अंत में साथियों, मैं आपको 25 फरवरी की रणनीति पे कुछ बातें बताना चाहूंगा। 25 फरवरी को अगर आप एक साथ धीरे धीरे करके सेबी मुख्यालय पे गए तो पुलिस खदेड़ देगी, आपके जाने से पहले ही आंदोलन खत्म। इसलिए पहली बात ध्यान रखिए कि एक साथ न जाकर के पहले 10:30 या 11 बजे तक आप अलग स्थानों पर अलग अलग ग्रुपों में इकट्ठा हुए, फिर 3-4 हजार 5 हजार की जो संख्या आपकी होगी वो फिर एक साथ सेबी कार्यालय पर धावा बोले और वहां पर कभी भी हिंसा और उत्तेजना नहीं हो, बहुत शांतिपूर्वक हो। अगर पुलिस से या प्रशासन से किसी प्रकार की उत्तेजना होती है, किसी प्रकार का आमना सामना भी होता है, तो आप कहिए हम कस्टमर हैं, हम हमारी समस्या लेके आए। और दूसरी बात, बाय द वे कई बार सरकारें निरंकुश भी होती है, नहीं करने थे, तो सभी राज्यों के अंदर एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर रखें, वहां पे शिफ्ट हो जाए। एक बात ध्यान रखें साथियों, जैसे ही ये धरना प्रदर्शन 2-2.5-3 घंटे का हो उसके बाद में सभा जरूर करें, आगे की रणनीति तय करें और आगे क्या हो इसकी तय करें। सोशल मीडिया पर सब चीजों को वायरल करते रहे, उनको जितना से ज्यादा आप हो मुझे भी भेजिए। और साथियों, अब निर्णायक मोड़ है, कोई अगर घर बैठा इन वीडियो को सुन रहा है और फिर भी अगर वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ लोग और चले जाएंगे, तो ये दुनिया के अंदर आप जब इस दुनिया से जब जा रहे होंगे आपका मूल्यांकन आप खुद करोगे, किसी और के लिए नहीं करना, आपको अपने लिए करना है और साथ में आपको अपने बच्चों के लिए करना है। क्या आप चाहोगे कि जब आप इस दुनिया से जा रहे हो तो आजू बाजू पड़ोसी वाले कहे कि देखिए चोर की अर्थी जा रही है? क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा कहीं से जा रहा है और उसे कहिए देखिए चोर का बेटा जा रहा है? मैं बार बार साथियों कहता हूं, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान और आत्मसम्मान की है। इसलिए सम्मान की लड़ाई की जब बात आ जाती है तो फिर करो और मरो वाली स्थिति होनी चाहिए। इसलिए साथियों, मुझे पूरी आशा है कि 25 फरवरी का जो सेबी का घेराव का आपने कार्यक्रम रखा है उस कार्यक्रम में शायद आप पूरे जोश, पूरी एकता, पूरे शांति से ऐसा एक इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में दोगे कि दूसरे लोग भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हो और सरकार भी झुक जाए। जय हिंद। पर हो रही है, पीएसीएल का पोर्टल जारी कर दिया गया है, आवेदन चालू हो गए हैं, उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया है। क्या आगामी रणनीति रहेगी सरकार से? आगामी रणनीति ये रहेगी कि हम 4 साल से संगठन बनाकर के काम कर रहे थे, कोई सरकार हमारी नहीं सुन रही थी, हम लोग वर्तमान सरकार को टारगेट मान के चल रहे थे, मगर जब हमने 25/11/2018 को दिल्ली में राजनीतिक पार्टी का गठन किया और वहां लाखों लोगों के बीच में पार्टी बनाई तो उन लोगों को ऐसा लगा कि अब हमारा वोट खिसक सकता है, उसको लेकर के उन्होंने रणनीति बनाई और रणनीति बना करके ये पोर्टल जारी किया है कि 30 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कराइए, आपका पैसा मिलेगा। मगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पैसा लोकसभा चुनाव से पहले मिलना चाहिए, लोकसभा चुनाव के बाद अगर आप लोग पैसा दोगे तो ये भारतीय लोक सेवा दल सारे देश में चुनाव लड़ेगा और आपको ये दिखाएगा कि भारतीय लोक सेवा दल की कितनी ताकत है। जैसा हम लोग पूर्व में बता चुके हैं कि पीएसीएल के 6 करोड़ निवेशक पूरे भारतवर्ष के अंदर हैं, अगर एक के परिवार में अगर 4 वोट भी हैं तो 24 करोड़ वोट बैठता है, जबकि वर्तमान सरकार को 2014 में 17 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे पिछली बार, हम लोग 24 करोड़ हैं केवल पीएसएल के, जबकि कंपनियां और भी बहुत सारी हैं, सब कंपनियां हमारे साथ हैं। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि चुनाव से पहले अगर पैसा वो दे देते हैं तो हम लोग एक बार को सोच भी लेंगे कि चुनाव सब जगह ना लड़ा जाए, अगर वो लोग हमको पैसा नहीं देते हैं लोकसभा से पहले तो हम लोग सभी जगह चुनाव लड़ेंगे और इनको इनका आईना दिखा करके मानेंगे। पीएसएल की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमटीडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।